नमस्कार, वेलकम टू श्रवीज किचन। दोस्तों, आज मैं आपके साथ आलू बैंगन की बहुत ही टेस्टी, बहुत ही यमी सब्जी की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। इस सब्जी को आप बहुत ही कम इंग्रेडिएंट्स के साथ बहुत ही जल्दी बनाकर तैयार कर सकते हैं। तो चलिए आपको इसमें लगने वाले इंग्रेडिएंट्स के बारे में बता देती हूँ। इसके लिए हमने 3 से 4 मीडियम साइज के आलू लिए हैं और 1 बड़े साइज का बैंगन लिया है। दोनों को ही काट कर अच्छे से धोकर तैयार कर लिया है। ये बारीक कटा हरा धनिया है और इधर मैंने ये लाल टमाटर लिए हैं, इनको मीडियम साइज में काट लिया है। और ये लहसुन और अदरक है, इसको बारीक कट कर लिया है। इसके अलावा 2 से 3 हरी मिर्चियाँ ली हैं मैंने और इनको भी बहुत बारीक काट लिया है। और ये 2 मीडियम साइज के प्याज हैं, जिसको मीडियम साइज में काट लिया है। तो चलिए देखते हैं इसे कैसे बनाना है। अब हम गैस पर एक कढ़ाई चढ़ाएंगे और उसमें डालेंगे मस्टर्ड ऑयल। इस सब्जी को आप अपनी मनपसंद दूसरे कुकिंग ऑयल में भी बना सकते हैं, पर मस्टर्ड ऑयल में ये सब्जी बहुत अच्छी बनती है, तो आज मैं इसे इसी ऑयल में बनाऊंगी। और अब सबसे पहला काम करते हैं इन कटे हुए आलुओं को फ्राई करने का। सारे आलुओं को हम फ्राई कर लेंगे जब तक कि ये हल्के ब्राउन ना हो जाएं। दोस्तों, हम इस सब्जी को कच्चे आलू के साथ भी बना सकते हैं, लेकिन जब हम इसको फ्राई करके बनाते हैं तो इसका टेस्ट थोड़ा अलग आता है और बहुत ही टेस्टी बनती है ये सब्जी। तो आप देख सकते हैं हमारे आलू बहुत अच्छे से फ्राई हो चुके हैं, इनमें कलर भी बहुत अच्छा आ गया है, एकदम ब्रिटिश कलर के हो गए हैं ये। तो काफ़ी हद तक ये पक भी चुके हैं, ये देखिए। तो अब इन आलुओं को हम बाहर निकाल लेंगे। और इसी बचे हुए ऑयल में हम थोड़ा बैंगन भी फ्राई करेंगे। कुछ देर इन बैंगनों को भी हम पकाएंगे, मगर उतना नहीं पकाना है जितना कि हमने आलू को पकाया है। ये बैंगन पहले से ही काफ़ी सॉफ्ट होते हैं, तो बहुत ज़्यादा इनको पकाने की हमको ज़रूरत नहीं है। अब ये बैंगन भी हमारे फ्राई हो चुके हैं, बस इससे ज़्यादा हमको इन्हें नहीं पकाना है। तो अब हम इनको भी बाहर निकाल लेंगे। अब इस बचे हुए ऑयल में हम थोड़ा ऑयल और डालेंगे और अब डालेंगे हम इसमें 1/2 चम्मच के लगभग जीरा और कटा हुआ अदरक, लहसुन और ये कटी हुई हरी मिर्च। और अब हम डालेंगे इसमें कटा हुआ प्याज और हल्का भूनने के बाद हम इसमें करीब 1/2 चम्मच हींग पाउडर डालेंगे। और अब इसको हल्का ब्राउन होने तक भून लेंगे।
प्याज ब्राउन हो चुकी है, इसका कलर चेंज हो चुका है, तो अब हम इसमें डाल देंगे थोड़ी सी हल्दी। थोड़ा चलाने के बाद हम इसमें डालेंगे अब ये फ्राई किए हुए आलू और ये बैंगन। और अब हम अंदाज से इसमें नमक ऐड करेंगे। तो इतनी सब्जी में मैंने करीब 1.5 चम्मच नमक डाला है। और अब डालेंगे इसमें हम कटे हुए टमाटर और थोड़ा सा इसको चला देंगे। ध्यान रहे दोस्तों, इस सब्जी में हमको पानी बिल्कुल भी नहीं डालना है, क्योंकि आलू और बैंगन हमारे पहले से ही फ्राई हैं, तो 80% के लगभग ये सब्जी पहले ही पक चुकी है। और बाकी जो टमाटर डाला है हमने, उससे इसमें पानी की कमी पूरी होती रहेगी। तो अब कुछ देर के लिए धीमी आंच पर इसको ढककर पकाएंगे हम। अब खोल कर देखते हैं इसको। ये देखिए दोस्तों, हमारी सब्जी बिना पानी के ही बहुत अच्छी पक गई है। आलू वगैरह आप देख सकते हैं बहुत अच्छे से पके हैं। तो अब इसमें हम डाल रहे हैं गरम मसाला और थोड़ा सा लाल मिर्च पाउडर। दोस्तों, हरी मिर्च का इस्तेमाल मैं पहले ही कर चुकी हूँ, इसलिए लाल मिर्च पाउडर मैं बहुत थोड़ा ही डाल रही हूँ। और अब इसको थोड़ा अच्छे से चलाएंगे हम। और अब लास्ट में इसमें डालेंगे हम ये कटा हुआ हरा धनिया। वाह, सब्जी बहुत ही देखने में तो बहुत ही यम्मी लग रही है दोस्तों। और सिर्फ देखने में ही नहीं, ये सब्जी खाने में भी बहुत टेस्टी है। तो आप इसका टेक्सचर देख सकते हैं, कितनी लाजवाब लग रही है ये देखने में। तो अब इसको मैं किसी बोल में ट्रांसफर कर लेती हूँ। तो दोस्तों, अब हमारी ये आलू बैंगन की बहुत ही टेस्टी सब्जी बनकर तैयार है। बहुत ही कम इंग्रेडिएंट्स में बहुत ही जल्दी ये सब्जी बनकर तैयार हो जाती है। मुझे उम्मीद है मेरी आज की रेसिपी आपको भी पसंद आई होगी। तो आप भी इस रेसिपी को ट्राई कीजिए और अपनी फैमिली के साथ इंजॉय कीजिए। मैं फिर से मिलती हूँ एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।